नाउ स्टार्ट, ठीक है, मिड स्टेनम। मिड स्टेनम में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि मिड स्टेनम में दो भाग बांटा गया था, सुपीरियर मिड स्टेनम और इंफीरियर मिड स्टेनम। देन हम लोगों ने इंफीरियर मिड स्टेनम को तीन भाग में बांटा था, एंटीरियर मिड स्टेनम, ठीक है, देन मिडिल मिड स्टेनम, देन पोस्टीरियर मिड स्टेनम, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे पोस्टीरियर मिड स्टेनम, ठीक है, पोस्टीरियर मिड स्टेनम को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पोस्टीरियर मिड स्टेनम कहां पर होता है। तो यहां ध्यान दें, ये एरिया से ये एरिया, ठीक है, ये हमारा कहा जाता है पोस्टीरियर मिड स्टेनम का एरिया, क्लियर। तो पोस्टीरियर मिड स्टेनम किसे कहते हैं वो देखते हैं। पोस्टीरियर मिड स्टेनम इज ऑक्युपाइड बाय द पोस्टीरियर साइड ऑफ मिडिल मिड स्टेनम, ठीक है। मतलब ये जो मिडिल मिड स्टेनम है इसके पीछे की तरफ जो पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर मिड स्टेनम, क्लियर। मिडिल मिड स्टेनम के पीछे की तरफ यानी कि पोस्टीरियर साइड में जो पाया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे पोस्टीरियर मिड स्टेनम, ठीक है। चलिए अभी हो गया, अब पोस्टीरियर मिड स्टेनम तो हम लोग देख लिए कि क्या होता है। तो मैं यहां दिखा दूं, ये वाला पोस्टीरियर मिड स्टेनम यानी कि ये यहां से लेकर के ये जो एरिया हमारा पोस्टीरियर मिड स्टेनम कहलाता है, और ये वाला एरिया हमारा मिडिल मिड स्टेनम कहलाता है, और ये सामने का जो एरिया है वो हमारा कहता है एंटीरियर मिड स्टेनम। यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं, ये जो पोस्टीरियर मिड स्टेनम है ये चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, ठीक है, ये किससे घिरा हुआ है, दैट मींस इसकी बाउंड्रीज क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पोस्टीरियर मिड स्टेनम के बाउंड्रीज क्या है, कौन कौन सी इसको घेर करके पोस्टीरियर मिड स्टेनम बनाए गए हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामने की तरफ, ठीक, पोस्टीरियर मिड स्टेनम के सामने की तरफ इस साइड में कौन कौन है। तो सामने की तरफ हमारा पेरिकार्डियम, हर्ट का जो कवरिंग है जो कि पूरे हर्ट को रखे हुए रहता है, देन है हमारा ट्रेकिया, ठीक है, देन है हमारा पल्मोनरी वेसिल्स, ठीक है, देन है हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम, ठीक है। अब हम यहां ध्यान दें कि हमारा जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम है, ठीक है, यहाँ जो हमारा ये डायफ्राम है इसका पीछे वाले भाग का ऊपर वाला सरफेस, ठीक है, ये ऊपर वाला सरफेस, ये सरफेस, ठीक है, ऊपर वाला सरफेस, ये हमारे पोस्टीरियर मिड स्टेनम बनाने के काम में आता है। यहाँ तक क्लियर है, एक बार तक फिर से रिपीट कर दे रहा है। एंटीरियर मिड स्टेनम को पेरिकार्डियम बनाता है, ट्रेकिया बनाता है, पल्मोनरी वेसिस बनाता है, और देन लास्टली डायफ्राम के अपर सरफेस जो होता है, ठीक है, ऊपर वाला सरफेस वो बनाता है, ठीक है। सामने का नहीं, डायफ्राम के पीछे वाला यानी कि लास्ट पोर्शन जो होता है जिसको पोस्टीरियर पोर्शन कहते हैं, उसके ऊपर वाला भाग जो मिलकर के हमारे पोस्टीरियर मिड स्टेनम को तैयार करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग पोस्टीरियरली यानी कि पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ जो हमारा ये पोस्टीरियर मिड स्टेनम को बनाता है, तो एट थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है, आठवां नंबर ये, ठीक है, आठवां नंबर थोरैसिक वर्टिब्रा जो होता है उसका कौन इन, तो लोअर इन, नीचे वाला इन, ठीक है, यहां तक का जो भाग रहेगा वही हमारा पोस्टीरियर मिड स्टेनम कहलाता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कहता है, इंटरवेनिंग डिस्क, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईवीडी भी कहते हैं, इंटरवेनिंग डिस्क यानी कि आईवीडी जो कहलाता है आपके दो वर्टिब्रा, ठीक है, दो वर्टिब्रा के बीच का जो स्पेस होता है, जो भरा हुआ रहता है, दो वर्टिब्रा के बीच का जो स्पेस होता है वो कहलाता है आपका इंटरवेनिंग डिस्क। दो वर्टिब्रा के बीच के स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरवेनिंग डिस्क, वही है हमारा आईवीडी, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है आईवीडी, दैट मींस इंटरवेनिंग डिस्क। चलिए और अब आते हैं हम लोग दोनों साइड में, तो मिड स्टेनल प्लूरा,
ठीक है, मेन एक्सटर्नल प्लूरा, प्लूरा जो होता है हमारे पूरे लंग्स के कवरिंग को करते हैं, ठीक है, तो पूरे लंग्स के कवरिंग को पूरा प्लूरा कहते हैं, लेकिन मिड स्टर्नल कहने का मतलब हो गया कि पूरे लंग्स के बीच का जो स्पेस होगा, साइड का नहीं, बीच का खाली जो स्पेस होता है वो कहलाता है मिड स्टर्नल, उस बीच के स्पेस में जो प्लूरा रहेगा वही प्लूरा इसको घेर के रखता है, जो मिड स्टर्नल प्लूरा के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक क्लियर है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से साफ से। मैं इसको नजदीक में ले आकर के आप लोगों को दिखा देता हूं जिससे नोट करने में आसानी होगी। चलिए लिखिए पोस्टेरियर मिड स्टर्नल, पोस्टेरियर मिड स्टर्नम के बारे में, पोस्टेरियर मिड स्टर्नम इज ऑक्युपाइड बाय द पोस्टेरियर साइड ऑफ मिडिल मिड स्टर्नम, ठीक है, मिडिल मिड स्टर्नम के पोस्टेरियर साइड में ये पोस्टेरियर मिड स्टर्नम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके बाउंड्रीज पर, तो बाउंड्रीज जो होते हैं हमारे एंटेरियर यानी कि सामने की तरफ जो होता है वो पेरिकार्डियम होता है, ठीक है, देन होता है ट्रैकिया, पल्मोनरी वेसिस, और देन आता है डायफ्राम का अपर सरफेस, वो भी पीछे वाला भाग यानी कि पोस्टेरियर, उसी को लिखे हैं पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम, ठीक है। देन है हमारा दूसरा पोस्टेरियर, पीछे की तरफ से हमारा एट्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, यहाँ ध्यान दे, आठ नंबर थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर के एक लाइन खींचा गया है, वही लाइन हमारा है एट्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, और साथ ही साथ इंटरवेनिंग डिस्क IVD, यहाँ ध्यान दे IVD शॉर्ट में लिख दिया गया है, दो डिस्क के बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, दो वर्टिब्रा के बीच का जो स्पेस होगा वो कहलाता है हमारा IVD इंटरवेनिंग डिस्क, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग दोनों साइड में, तो मिड स्टर्नल प्लूरा रहता है, मिड स्टर्नल प्लूरा जो कि हमारे प्लूरा जो होता है हमारे लंग्स का कवरिंग होता है, उस लंग्स के कवरिंग के बीच वाला भाग हमारा मिड स्टर्नल प्लूरा के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग इसके देखते हैं कंटेंट।